स्वर कोकिला लता मंगेशकर सोमवार से अस्पताल में भर्ती हैं और लता जी को लेकर जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, उनके चाहने वालों को काफी ज्यादा मायूस कर रही हैं। बता दें आपको, लता मंगेशकर की हालत अभी ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अस्पताल से जुड़े एक सोर्स की ओर से जानकारी सामने आई है कि उनकी हालत में तो सुधार हो रहा है, लेकिन रिकवरी में समय लगेगा। हॉस्पिटल सोर्स बता रहे हैं कि लता मंगेशकर पूरी तरह से ठीक अभी नहीं हुई हैं। निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, जिसे भी ये बीमारी होती है, रिकवरी में टाइम लगता है। वेंटिलेटर पर लता मंगेशकर को रखा गया है, अभी वेंटिलेटर पर ही है वो, ये भी खबर आ रही है। वहीं परिवार की ओर से बयान सामने आ गया है कि हालत अब स्थिर है, पहले से बेहतर है, दुआओं की जरूरत है और जो दुआएं अब तक मिली है उसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। बता दें आपको, 11 नवंबर को सांस लेने में दिक्कत उन्हें हो रही थी, जिसके बाद मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। सभी लोग तब से लेकर अब तक उनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। भारी भरकम फैन फॉलोइंग होने के बावजूद लता मंगेशकर फिलहाल जब अस्पताल में है तो उनसे जुड़ी खबरें पूर्ण रूप से बाहर निकल कर सामने नहीं आई है। दुआ कर रहे हैं हम कि वो जल्द ही ठीक हो जाएं। आप भी दुआ कीजिए। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।